हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन टेबल। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है फोर बॉक्स है, इसे राइट एट्रियम, इसे राइट वेंट्रिकल कह दिया गया है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल कह दिया गया है। ठीक है, आपको ए बी सी और डी आइडेंटिफाई करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हार्ट है, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब राइट एट्रियम में ब्लड को लेकर कौन आ रहा है? सुपीरियर वेना के बाद ब्लड को लेकर आ रहा है, ठीक है, और इन्फीरियर वेना के बाद ब्लड को लेकर आ रहा है, ये काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम में कौन ब्लड लेकर आ रहा है? पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आ रही है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? एओर्टा में। और आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ए क्या हो जाएगा, वेना केवा, वेना केवा से ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा ब्लड? लंग में, लंग में ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के हेल्प से कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन के हेल्प से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और सी एओर्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए में क्या चाहिए? वेना केवा, सिर्फ एक ही में दिया है, बी में पल्मोनरी वेन, सी में एओर्टा, और डी में पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 200 पर गिवन है। थैंक यू।